हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीए मेमोरियल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री के बचे हुए 25 क्वेश्चन को। इससे पहले पार्ट वन अगर आप केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिजिक्स का भी अगर आप नहीं देखे हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज बिकॉज ऑफ डैश कोटिंग। तो सिल्वर आर्टिकल ब्लैक क्यों हो जाता है, वो सिल्वर सल्फाइड के कारण, जो एटमॉस्फेयर में सल्फर होता है प्रेजेंट, उसी से रिएक्ट करके वो बन जाता है सिल्फर सल्फाइड, और उसका कलर क्या होता है, ब्लैक, इसलिए हमारे आर्टिकल का कलर भी ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है, ब्रॉन्ज का एक BRONZE ब्रॉन्ज और ब्रास में, ब्रास का जो कंपोनेंट होता है दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको, अगर अच्छा लगे तो अपनाइएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं अपनाइएगा। तो पहला है, जैसे आप अपने स्कूल में देखिएगा, किसी को जो थर्ड आता है किसी भी गेम में तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो ब्रॉन्ज मेडल उस मेडल का कलर देखिएगा ब्लैकिश टाइप का रहेगा, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल हमेशा ब्लैकिश टाइप का रहता है, जिस बच्चे को भी मिलता है देखिएगा, तो ब्लैक यानी टीन का जैसा कलर होता है, टीन, और टीन का फॉर्मूला क्या होता है, SN, इसलिए ब्रॉन्ज का जब भी आएगा कॉम्पोनेंट इसलिए कॉपर प्लस टीन, कॉपर तो दोनों में कॉमन होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस टीन। और जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, अगर ब्रास का रहेगा, ब्रास का अगर कॉम्पोनेंट पूछेगा तो कॉपर और प्लस जिंक, क्योंकि यह तो चमकने वाला रहता है जो, ठीक है। तो ये ट्रिक था, अगर ब्रॉन्ज मेडल ब्लैक होता है इसलिए टीन का कलर जैसा होता है इसलिए टीन लगेगा, ब्रॉन्ज जिसमें आया उसमें कॉपर प्लस टीन, टीन का फॉर्मूला था SN, इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल वायर में कौन सा एलॉय का यूज़ करते हैं, तो सिंपल सी नंबर, सोल्डर का ही तो यूज़ करते हैं ना किसी भी वायर को वेल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG। तो मेजर कंपोनेंट कौन सा है CNG में, CNG गैस के अंदर जो गैस होता होगा उसमें ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। अगर यही LPG रहता तो LPG में कौन सा पाया जाता है, ब्यूटेन। LPG का में जो मेजर कंपोनेंट रहता है उसमें, तो वो क्या रहता है उसका कंपोनेंट में, ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और CNG में मीथेन, तो इसलिए फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स डैश इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो ये कार्बन एंड कंपाउंड का है क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन, आप इसे याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी पूरा करें, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जल्दी से जल्दी पूरा करवाए रिएक्शन को, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, निकल, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स, तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, वाटर उसमें सताना, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। अब इसमें से हमको वाटर निकालना, तो ये एक H निकलेगा, ये O निकलेगा, और एक और H जरूरत होता है ना वाटर को निकालने के लिए, H2O, तो यहाँ तो एक ही H है, तो एक इससे H निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बचेगा क्या, C2H4 बचेगा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, इथिन का, तो देखिए इथिन किस ऑप्शन में है, सी नंबर में, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो विनेगर में कितना एसिटिक एसिड होता है, तो सब हर बुक में अलग अलग होता है, किसी में 4 से 8% रहता है, जितना खट्टा उतना एसिटिक एसिड, तो इसलिए यहाँ पे जैक बोर्ड जो बताया है वो क्या है, आंसर नंबर ए क्या है, 5 से 8%, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, मेल्टिंग इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर डिग्री सेल्सियस से बात करें तो 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको हमको केल्विन में ऑप्शन दिया इसलिए केल्विन में बदलना होगा, तो इसमें क्या कर देंगे +273 कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा जोड़ करके देखिए 289 आएगा, क्या आएगा 289.6 केल्विन आएगा। तो अब इसके इसके लगभग में देख लीजिए एवरेज में कौन है, तो डी नंबर 290 के, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्टर्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, तो जब इस्टर एसिड और बेस से रिएक्ट करेगा, इस्टर एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वह एल्कोहल और उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, तो एस्टरीफिकेशन का उल्टा रिएक्शन कौन सा होता है, बी नंबर सेपोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है ये प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बी नंबर, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो सब एटॉमिक मास लेकर चल रहे थे, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है, यूनिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश पीरियड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है, जो इस तरह से वर्टिकल में जो रहता है 18 होता है, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में रहता है उसे कहते हैं पीरियड, तो ये कितना पीरियड होता है, तो 7 होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूछ रहा है ना, इसलिए सी नंबर क्या होगा, 7, अगर ग्रुप पूछता तो हम 18 देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलॉइड्स इज, तो मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, आप जैसे पीरियोडिक टेबल जब खोलिएगा तो इस टाइप का होता है, और यहाँ पे एक जिग जैग करके लाइनिंग बना रहता है, इसी को कहते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड मतलब, या इसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी, तो इसमें देखिए कार्बन है एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, आयरन भी मेटल है, लेकिन सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है, इसमें दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम सेल ऑफ क्लोरीन कंटेंस डैश इलेक्ट्रॉन, पहली बार में तो क्वेश्चन थोड़ा घूम जाएगा कि अरे ये क्या एम सेल क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, KLM आपने पढ़ा होगा ना, तो क्लोरीन का क्या कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो 17 2 8, अब 8 2 10 हो गया, अब बचा कितना 7, तो एम सेल में कितना नंबर है 7, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 7, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स एक्स प्लस वाटर, एक्स इज वॉट, तो मेटल ऑक्साइड यानी एन, सपोज Na ले लेते हैं, सोडियम मेटल है इसका ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा बेस प्लस एसिड, तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, आपको ये इक्वेशन मालूम ही होगा एसिड बेस से, इसलिए क्या बनेगा, एक्स की जगह पे क्या हो जाता है, सॉल्ट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनियम आयन इज, तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, एच प्लस आयन बोलता तो इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, तो H3O+ जो होता है ना, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर H3O+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैंने बताया था ना pH बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिहार का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, जो भी है pH बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है pH, बी नंबर ऑप्शन 10 होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2020 में या फिर एग्ज़ाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमोसफियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स ऑफ, तो जो वीनस जो प्लेनेट है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो येलोविश पार्ट का हो जाता है, ठीक है, येलोविश हो गया है, तो किस कारण से हो गया है, तो किस कारण से हो गया, वो H2SO4 के कारण से हो गया, H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, और जो वीनस का जो प्लेनेट का एटमॉस्फेयर है, वीनस का एटमॉस्फेयर वो वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स क्यों हो गया वहाँ का, क्योंकि H2SO4 वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। अब इसमें फिर से ट्विस्ट आ जाता है कि अगर मीठा पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, स्वीट टोमेटो है, स्वीट टोमेटो है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होगा, और खट्टा टोमेटो है, सॉर टोमेटो है तो क्या होगा, सिट्रिक एसिड। लेकिन यहाँ पे तो ना खट्टा दिया ना मीठा दिया, तो जनरली जैक बोर्ड का आंसर दिया है ए नंबर, ऑक्जेलिक एसिड। जनरली हम ऑक्जेलिक एसिड को ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NaCl। जब इसको वाटर में मिलाएंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, तो आप हिंदी का भी सहारा ले सकते हैं, समुद्र में क्या होता है NaCl, और उसमें जब पानी मिल जाता है तो खारा पानी बोलते हैं ना, देखिए यहाँ खारा हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी का भी मदद ले सकते हैं और हिंदी वाले इंग्लिश का भी, ठीक है। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, ए होगा, ब्राइन कहते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2। तो इसको देखिए किस ऑप्शन में है, आप गलती से भी बी ए या फिर कोई भी गलत ऑप्शन चूज नहीं कीजिएगा, हमेशा राइट देखिएगा। तो यहाँ देखिए CaOCl2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये छोटा छोटा मिस्टेक आप कर देते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको अच्छा सा ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद OMR शीट में कलर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसी को बोलते हैं, और फिर रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे 10H2O से, तो क्या बन जाएगा, ये वाशिंग सोडा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी नंबर, वाशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। तो आप बताइए कि प्लास्टर, किसी भी फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करते हुए उसमें क्या यूज होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज होता है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, CaSO4.5H2। आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में होता है, तो आप थर्मामीटर देखे होंगे, ये है थर्मामीटर, यहाँ पे जो मर्क्यूरी, पारा जिसे कहते हैं, वो मर्क्यूरी लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मर्क्यूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट इन नेचर। तो कार्बन का एलोट्रॉप कौन कौन सा है, एक तो डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, फिर ग्रेफाइट है, और फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है, डायमंड, सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप है कार्बन का, तो ए नंबर हो जाएगा, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पोटेरिक ऑक्साइड इज, तो एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, पहले ये बता देते हैं आपको, एम्पोटेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेसिक से भी, यानी दोनों तरह का, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, दोनों का प्रॉपर्टीज उसमें होना चाहिए। तो इसमें एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, डी नंबर, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैथ को भी सॉल्व कर देंगे दो पार्ट बना करके, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो मैं उसे कॉपी में भी आपको समझा दूंगा, वो जो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैथ्स का उसे मैं आपको कॉपी में भी करके समझा दूंगा। तो आप, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।